स्टूडेंट्स हमने देखा था कि अगर हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखे या कोई चार्ज कैरिंग कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर रखे, सो उन दो फील्ड्स की वजह से, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा और एक उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो उन दोनों फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से उस कंडक्टर पर एक फोर्स लगेगा, या अगर हम कॉइल यूज कर लें तो वहाँ पर टार्क प्रोड्यूस होता है। उसी टार्क के प्रिंसिपल को हम यूज करेंगे और इससे हम एक इंस्ट्रूमेंट, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि वो हम बनाएंगे, जो कि है गैल्वानोमीटर। एक्चुअली प्राइमरीली हम यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी किसी जगह पर या किसी सर्किट में सपोज हम देखते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिकल करंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, यानी फिर उसको हम चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं इंटू मैनी इंस्ट्रूमेंट्स मेजरमेंट के लिए, लेकिन बेसिक जो इसका यूज है वो है डिटेक्शन ऑफ करंट के लिए, यानी करंट की प्रेजेंस या उसकी जो एब्सेंस है वो हम बताते हैं। सो किस तरह ये वर्क करता है, किस तरह हमें पता चलता है कि सपोज एक सर्किट में करंट एग्जिस्ट कर रहा है या एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसकी वर्किंग हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर, ये तो इसका फंक्शन है कि वो हमें क्या करता है। अब कंस्ट्रक्शन हम पहले देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट है जो कि हम कंबाइन करते हैं और उससे हम ये इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, उसके बाद हम उसकी वर्किंग की तरफ आ जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट चीज है, बिल्कुल टार्क जो हम प्रोड्यूस करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसी तरह की कंस्ट्रक्शन है, लेकिन कुछ एडिशनल चीजें हम यहाँ पर यूज करेंगे। एक होगा एक्सटर्नल परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट हम पी से डिनोट करते हैं शॉर्टली, परमानेंट मैग्नेट यानी एक हॉर्स शू मैग्नेट जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल उसकी जो शेप होती है हॉर्स शू की तरह होती है। दो हम पोल्स यूज करते हैं, एक साइड से हमारे पास देखिए आप देख रहे हैं इस फिगर में एक नॉर्थ पोल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं और राइट साइड पर आप देख रहे हैं एक साउथ पोल है। दोनों एक्चुअली आइसोलेटेड पोल्स नहीं हो सकते, बिकॉज हम कहते हैं कि मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, सो फार जो थियरीज हैं उनके मुताबिक मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। सो एक साइड पर हमारे पास यहाँ पर जो हॉर्स शू मैग्नेट है उसका ये नॉर्थ पोल आप देख रहे हैं, यहाँ से हम यूज कर रहे हैं, और ये साउथ पोल। अब इनकी जो एक्चुअल शेप होती है, यहाँ पर आपको फ्लैट नजर आ रहे हैं, इनके जो ये सर्फेसिस है आपको फ्लैट नजर आ रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली कनकेव होते हैं। कनकेव मीन के अगर आप इसका जो नॉर्थ पोल है वो देखें यहाँ से, तो वो एग्जैक्टली लाइक दिस यू हम बना सकते हैं कनकेव। उसकी जो ये साइड है, ये वाला जो इस कॉइल की तरफ होता है इनर साइड पे, वो यूं कनकेव शेप का होता है। यूं आप देख रहे हैं कि हमने इसका जो शेप है वो कनकेव बनाया हुआ है। इसी तरह अगर आप साउथ देखें, राइट साइड पर जो साउथ पोल है वो भी बिल्कुल इसी तरह कनकेव हम बनाते हैं। सो आप देख रहे हैं दोनों जो कनकेव साइड है इनके दरमियान अगर आप रीजन देखें, ये एक नॉर्थ आ गया दूसरा साउथ, तो इनके दरमियान अगर आप रीजन देखें तो देखिये बिल्कुल इनके जो मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगे यहाँ से वो रेडियल होंगे। मैग्नेटिक लाइंस जो निकलेंगे वो क्या होंगे, रेडियल साउथ की तरफ होंगे, नॉर्थ से निकलेंगी। सो इनकी एक्चुअल जो यहाँ पर आपको शेप नजर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो क्या है, एक रेडियल फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जिस तरह की हम स्फेयर्स में पढ़ रहे थे या सर्कुलर फॉर्म में पढ़ रहे थे, यहाँ पर नियरली ये एक स्फेयर की तरफ वर्क करता है, क्योंकि अगर हम इसको ज्यादा फ्लैट बनाए सो ये उसकी शेप होती है। और वो हम क्यों शेप इसकी इस तरह बनाते हैं, क्योंकि दरमियान में जब हम कॉयल रखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कोई कॉयल रखते हैं करंट कैरिंग कॉयल, सो अगर वो टर्न भी करता है, कॉयल टर्न भी करता है, सो तब भी चूंकि रेडियल फील्ड है तो हर पॉइंट पर, हर पोजिशन पर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो इसके प्लेन को क्या होती है, पैरेलल होती है, यानी जो एक इसकी नॉर्मल डायरेक्शन है उसके लिए परपेंडिकुलर होगी, लेकिन इसकी जो प्लेन डायरेक्शन, इस प्लेन की जो डायरेक्शन है, यानी ये फॉर एग्जांपल प्लेन है ये वाला, तो इसके लिए पैरेलल होगी हर जगह पर, यानी एक कांस्टेंट उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी, चेंज नहीं होगी। इसी तरह ये तो इसकी शेप आ गई। इसके बाद हम कॉयल यूज करते हैं, एक करंट कैरिंग कॉयल हम यूज करते हैं जिसमें हम करंट जो है वो मूव करते हैं और उसकी वजह से एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फिर इंटरैक्ट करते हैं और उस वजह से कॉइल जो है वो टर्न करता है। इसके अलावा दोनों कॉइल और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलावा जो थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन
जो कॉयल के बिल्कुल मेडल पर आपको नजर आ रहा है, एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट देखें, ये वाला अगर आप यहां से देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये एक एक्चुअली सॉफ्ट आयरन है। सॉफ्ट आयरन हम क्यों यूज करते हैं, यानी हम नॉर्मल कोई बाकी मटेरियल क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम देखिए आयरन को इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, करंट उससे पास करते हैं कॉयल से, तो क्या हो जाता है, आयरन मैग्नेटाइज हो जाता है, उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपेयर हो जाती है, वो एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। फिर तो जब वो मैग्नेटाइज हो जाता है, अगर हम कोई हार्ड आयरन यूज करते हैं या सॉफ्ट आयरन के अलावा कोई दूसरा मटेरियल यूज करते हैं जो कि इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं होता, यानी फॉर एग्जांपल आपने इसको मैग्नेटाइज कर दिया, उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई सपोज आयरन की, ये मैग्नेटिक फील्ड सपोज इसकी आ गई, जब हम करंट स्टॉप करते हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि जो वो फिर इजीली या जल्दी जो है वो डीमैग्नेटाइज नहीं होते, यानी उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिर भी रहती है अगर हम करंट को स्टॉप भी कर ले। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड करंट स्टॉप करने के बाद भी एग्जिस्ट करती है, वो जो है बाकी रहती है, तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करेंगे और उस वजह से करंट नहीं भी होगा लेकिन फिर भी डिफ्लेक्शन जो है वो शो होगी, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगे। तो इसीलिए हम सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। सॉफ्ट आयरन की ये प्रॉपर्टी है कि जब आप करंट इससे पास करते हैं कॉयल से, तो ये मैग्नेटाइज हो जाता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, लेकिन जब हम करंट को स्टॉप करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को स्टॉप करते हैं, करंट स्टॉप हो गया, इसकी वैल्यू जीरो है, तो तब ये वेरी क्विकली ये डीमैग्नेटाइज हो जाता है ये आयरन, यानी इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वैनिश हो जाती है। तो इसी तरह जो डिफ्लेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ तब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा हो, और इलेक्ट्रिक करंट अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर डीमैग्नेटाइज हो जाता है आयरन और उस वजह से इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है, सो डिफ्लेक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है, और अगर डीमैग्नेटाइजेशन उसकी जल्दी नहीं होती तो फिर डिफ्लेक्शन करंट स्टॉप करने के बाद भी होगा। इसी तरह इसके बाद अगर ऊपर आप देखें, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं मिरर, एक मिरर जो है एक्चुअली वो हम पॉइंटर की जगह यूज कर सकते हैं, जब देखें ये कॉयल टर्न करता है टॉर्क प्रोड्यूस होता है, सो उस वजह से जो मिरर है वो भी इसी तरह टर्न करेगा, उसमें ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा। यहां से हम लाइट सोर्स यूज कर रहे हैं, देखें लाइट लाइट सोर्स यूज कर रहे हैं, लाइट सोर्स क्या कर रहा है, यहाँ से लाइट हम प्रोवाइड करते हैं, वो लाइट जब मिरर के ऊपर पड़ती है तो देखें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, यूं यहाँ पर हमने स्केल लगाया हुआ है, आप देख रहे हैं, तो जब हम देखते हैं कि टॉर्क प्रोड्यूस होता है और ये इस जो हमारे पास कॉयल है इसके साथ ये मिरर भी अटैच्ड है, तो मिरर भी जब ट्विस्ट उसमें प्रोड्यूस होता है, सो वो क्या होता है, यहाँ से जो लाइट यहाँ पर पड़ती है, सो उस ट्विस्ट की वजह से उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो इस स्केल के ऊपर मूव करती है, यानी चूंकि मिरर रोटेट करती है तो इस तरह जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो भी इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होती है, सॉरी स्लाइड होती है इस स्केल के ऊपर, तो मूव होती है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि अगर ये लाइट रेज मूव करती है तो इसका मतलब ये है कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, और अगर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर करंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर डिफ्लेक्शन नहीं प्रोड्यूस हो रहा इट मीन्स कि यहाँ पर जीरो करंट है। इसकी जगह हम कोई पॉइंटर यूज कर सकते हैं, अ लाइट पॉइंटर, कि जब टॉर्क प्रोड्यूस होता है सो उस ट्विस्ट की वजह से वो लाइट पॉइंटर जो है इस स्केल के ऊपर इस तरह मूव करता है, सो उस डिफ्लेक्शन की वजह से भी हम उसकी जो डिटेक्शन है, करंट की जो डिटेक्शन है वो बता सकते हैं कि अगर डिफ्लेक्शन है सो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट होगा, डिफ्लेक्शन नहीं है सो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो नहीं होगा। इसी तरह जो ऊपर आप देख रहे हैं जिससे हम सपोर्ट करते हैं इसको, यहाँ से इस कॉयल को आप देख रहे हैं क्या हमने लिखा है, फास्फर ब्रॉन्ज। फास्फर ब्रॉन्ज जो एक्चुअली वो एक एलॉय है जिसमें हम तीन चीजें यूज करते हैं, एक हमारे पास कॉपर है, कॉपर प्लस इसके साथ हम अप्रोक्सीमेटली 3.5 से लेकर 3.5 से लेकर 10% तक ये 10 यूज होता है, इस एलॉय में 10 यूज होता है, प्लस इसके साथ हम फास्फोरस यूज करते हैं और इसकी जो परसेंटेज है अप्रॉक्सीमेटली वो 1% होती है, तो इसको हम नाम देते हैं फास्फर ब्रॉन्ज का, जो कि एक्चुअली कंडक्टर है, और यहाँ से हम उसको इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से हम उसको देखें सपोर्ट करते हैं, या आप सपोर्ट देख रहे हैं, यहाँ से हम उसको अटैच करते हैं इस फास्फर ब्रॉन्ज को, और एक इसका जो कंटेक्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, यहाँ पर जहाँ पर हम स्प्रिंग यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो वर्किंग है वो किस तरह होती है इसकी डिफ्लेक्शन की, और फिर उसके साथ इस वर्किंग के साथ फिर हम किस तरह टार्क उसमें मैथमेटिकली शो करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे।